तो लो जी, हमारे क्लास टेंथ के जितने भी बच्चे हैं, मैंने आपसे वादा किया है अब की बार 90 पार, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, बिल्कुल आप तो संकोच मत करो। लो जी, आपके लिए लेकर आ गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सेट सी। ए और बी अपन हो चुका है अपना कंप्लीट। रियल पेपर के लफड़े हुए मत पढ़ो बेटा, मैंने समझाया था हिंदी में भी जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको अच्छे नंबर आए हैं, तो संस्कृत में भी आपको 6 सेट दे रहे हैं, उनमें से सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देंगे। एक लॉन्ग वीडियो में आपका आज शाम तक ही डल जाएगा, जरूर चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को चेकआउट करना, उसमें सब कुछ समाहित रहेगा। चलिए सेट सी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो पहला देखिएगा, रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तृतीय विभक्ति जाएगा। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, तो राजा ना आ जाएगा। और द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा फलम। एक वचन से रूपम अस्ति, तो यहाँ पर राज्ञा आ जाएगा। प्रकृति पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकारते आराधना, और इसमें से कौन सा व्यव नहीं है अस्तु, मैं कहूँ जितना आप तो कंप्लीट करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रियल है बेटा, अपन दावा भी नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। हिंदी में बस धीरे से बिल्कुल आईएमपी करके ना फंसा दिया, इसी तरह है ना संस्कृत में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो कंप्लीट करो, ये कोई रियल पेपर नहीं है, पर मेरे द्वारा जो कोचिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को प्रोवाइड कराते जाते हैं उन्हीं में से है और गारंटेड है। ये लिखा पड़ी ठोक बजा के कह दूंगा, डंके की चोट पर 6 पेपर कर लो। कोई मायका लाल यदि आपको टोपर बनने से रोक देना तो मुझसे बता देना, चैनल पर आइए नहीं मत भले, पर जितना बता रहा हूँ एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, बहुत लॉन्ग वीडियो, दो से ढाई घंटे का मुश्किल से रहेगा, जानता है इतना भी लॉन्ग नहीं है कि 2-4 महीने तक देखना पड़ेगा, 2 या 2.5 घंटे मुश्किल से, उसमें पूरी चीज़ें रहूँगा, 6 सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ आपके आपटित गद्यांश बताऊंगा, निबंध अच्छे समझाऊंगा, संस्कृत भाषा का निबंध भी जाएगा, अवकाश भी जाएगी, सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ से रिक्त स्थान भर सकते हैं हमारे बच्चे। ठीक है, भानुदे में आपकी संधि है दीर्घ स्वर संधि, सुर प्लस ईसा सुरेशा, इसमें जाएगा गुण संधि। दशानन जिसमें गिनती आ जाए नहीं उसमें बहुव्रीय समास रहेगा। बानहता तत्पुरुष समास, पंचवटी का आ जाएगा आपका दिग्गु समास और पितरों का आ जाएगा द्वंद समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि हम बात करें एक पदेन की, तो यहाँ से बढ़िया से एक पदेन वाले को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा भर दिया है, कम समय है आपके पास, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका शुद्ध अशुद्ध, पंचंती तस्मिन पदे परस्य धातु अस्ति ना, दूसरा आपका ना रहेगा। तीसरे की बात करें आम लिखना है आपको, है ना, चौथा आम रहेगा, पांचवा आम रहने वाला है, और छठा अंतिम वाला ना कर देना है। ठीक है, बढ़िया से आप कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है भैया, अत्र जीवितम की दृशम जातम, ठीक है, यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अत्र जीवितम की दृशम को हटा देना है और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका दुर्वहन। हो गया, सर्वदा सर्वकार्यसु का बलवती, तो ये का हटा देना है और इसकी जगह पर पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, बुद्धि नहीं तो पता चले केवल बुद्धि लिख दो बस, इतना नहीं, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरण कठिन वर्तते, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से लो ये, और इसका 8वां वाला भी ले लेना है ना भैया। ठीक हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां देखते हैं। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती, तो मातु अधिक कृपा, ये कस्मिन की जगह पर आ जाएगा आपका दुर्बले सुते भवती। बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ये 8वां है ना, ये 8वें का तो वाला ये यहाँ से लो, इसका उत्तर है ना ये। हो गया इतना, पूरा लिखवा लिया, ऐसा नहीं है बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसको भी देखते हैं।
तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान। तो यहाँ देखिए कथम हटाना और उसकी जगह पर भूरी परिश्रम्य लिखना है, तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आ रक्षा जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था, तो कोतवाल जो था ना वही चोर था। सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ से देखिए छनम एकांतरे कांत आ जाएगा। यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे तो पक्षिना को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है, पूरा मतलब लिख के ना कि इसको हटाकर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो। और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना, क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा। तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने सुर भीम को कहा था और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था। तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक। क्या दिया गया है? श्लोक दिया गया है। और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है, तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका आएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है। ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है। पिता पुत्रेन सह गच्छति। शिव नमः, शिव को हटा देना है और क्या लिख देंगे? शिवाय नमः। क्या जाएगा? शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया, ठीक है। इसके बाद में माता बालकम दुग्ध दधती, तो बालकम का हट जाएगा और क्या जाएगा? बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें, तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पहले में आपको यहाँ पर अही भूख भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धि मति हो जाएगा, पाँचवे के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा, ये अपन और छठा भ्रसम आ जाएगा, कर लेना है ना। ओके, इतना ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यानी घटना के अनुसार एक बाय सीरियल बनाओ। तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा। नंबर रट के नहीं जाना, थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की, तो अथवा वाला है ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया। अब है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो यह देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका, ठीक है भैया। चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये स्क्रीन शॉट ले लिया इसका। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। ये वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा, ठीक है। बड़ा वीडियो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसका अथवा हो गया है। तो ये अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18 हो गया, 18। इसके बाद में इसका अथवा वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, हो गया भैया। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, ये तो अलग हो गया 18वां, पहले तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीन शॉट ले लिया, ये हो गया, ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है। उन्नीस देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया है और ये 19 का अथवा है, हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था और ये 19 का यहाँ पर उत्तर है, ये देख सकते हैं आप, तो और ये इसका थो वाला का उत्तर है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रश्न लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये यहाँ से इसका आंसर पूरे के क्वेश्चन नंबर 20 के, यदि हम बात करें तो ये इसका अथवा है यहाँ पर,
और ये 20 का तो यहाँ पर मेरे पास भी है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये यहाँ से है।